नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 अध्याय नंबर 14 जिसका अंक बाहर है 11 बोर्ड की परीक्षा में अंक बाहर है 11 जिसका नाम है सांख्यिकी यानी इंग्लिश में बोले तो स्टैटिस्टिक्स को शुरू करेंगे। आज की ये वीडियो इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। दोनों विद्यार्थी ही इस वीडियो से अब लाभ उठा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट्स दोनों लैंग्वेजेस में बनाए हैं। देखिए विद्यार्थियों, इस चैप्टर को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो एग्जाम में ये चैप्टर 11 नंबर का है, ध्यान दीजिए, तो आपके एकदम 11 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप आज की इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो हम एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से इस चैप्टर को पूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे, है ना। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत से जुड़ेंगे मुझसे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी और आप अपने बोर्ड में 11 नंबर पक्के कर सकते हैं। कुछ नहीं है ये चैप्टर, बस थोड़ा लेंदी है, इस कारण से बोर्ड ने इसको, और कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर, सूत्रों का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, तो बस उस दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है 11 नंबर का है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। मेनली सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला बांटेंगे माध्य, दूसरा बहुलक और तीसरा माध्यक, मीन, मोड और मीडियन, तीन टाइप में बांटेंगे इसको। हमने क्लास 9th में भी इस पर चर्चा कर रखी है। क्लास 9th में भी हमने मीन निकालना सीखा था, माध्य निकालना सीखा था, बहुलक मोड निकालना सीखा था और माध्यक मीडियन निकालना सीखा था। हर चीज अपन वहां पर सीख कर आ चुके हैं क्लास 9th के अंदर। बस एक कदम आगे बढ़ेंगे अपन, एक कदम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। वो क्या है, बात अपन इन तीनों पर ही करने वाले हैं। निकालेंगे अपन माध्य ही, निकालेंगे अपन बहुलक ही और निकालेंगे अपन माध्यक ही, लेकिन कुछ नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि अब अपना लेवल बढ़ चुका है ना, इसलिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, कक्षा 9 में हमने माध्य, बहुलक और माध्यक ये तीनों निकालना सीखे थे। ये निकाले थे हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के। अवर्गीकृत आंकड़े मतलब होता है अनग्रुप्ड डाटा। सर, ये अनग्रुप्ड डाटा या अवर्गीकृत आंकड़े क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको डेटा दे दिया जाता था, आंकड़े दे दिए जाते थे और आपको बोला जाता था कि इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। कैसे? जैसे कि आपको दे दिया जा रहा है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये आपको दे दिया गया डाटा, ये अवर्गीकृत डाटा कहलाता है। अवर्गीकृत डाटा मतलब जिसको वर्गीकृत नहीं किया गया है, वर्गीकृत यानी सिस्टमेटिकली व्यवस्थित नहीं किया गया है, अरेंज नहीं करा गया है, सिर्फ ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इसका अब आप निकालिए माध्य, इसका निकालिए बहुलक और इसी का ही निकालिए आप माध्यक। चलिए, तो ये निकालना हमने सीखा है। माध्य कैसे निकालोगे? आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अपन ने सीखा था। तो क्लास 10th में भी सबसे पहले अपन माध्य निकालना सीखेंगे। तो शुरुआत अपन 9 से करेंगे, फिर 10 तक बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों को मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में आप विजुलाइज कर सको कि आप किस तरीके के क्वेश्चनों को कर आ चुके हो और अब आपको किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए मैंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बना रखा है आपके लिए, कि आपकी सुविधा के लिए, कि आप इसको समझ सकें। सबसे पहले अपन बात करेंगे माध्य के ऊपर, कोई दो राय नहीं है। माध्य आपने सीखा था क्लास 9 के अंदर अवर्गीकृत आंकड़ों का, यानी अनग्रुप डाटा का आपने माध्य निकालना सीखा था। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लड़का है राम जिसने क्रिकेट में निम्नलिखित रन बनाए, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। एक लड़का है राम, क्रिकेट में उसने रन बनाए हैं,
डेटा का मीन फाइंड करो, ये जो डेटा है ये जो दे रखा है इसका मीन फाइंड करना है। तो क्या करते थे आप, एवरेज निकालना है। एक तरीके से एवरेज निकालना तो सबने सीखा है, माध्य का दूसरा नाम ही औसत है। और इंग्लिश मीडियम वालों, मीन का दूसरा नाम एवरेज है, ठीक है, ये आप समझना। औसत और माध्य दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। और एवरेज और मीन दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, ये ध्यान रखें, ये अपने दिमाग में क्लियर रखें। अगर आप इतना सीख चुके हैं तो अब देखिए, हमने माध्य निकालना सीखा था और उसका फॉर्मूला क्या था, आंकड़ों का योग, सम ऑफ डाटा, आंकड़ों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये अपन ने सीखा था क्लास नाइन्थ में। क्लास टेंथ में भी ऐसे प्रश्न है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूछे नहीं जाते, बहुत सरल पूछे जाते हैं। अगर वस्तुनिष्ठ में आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन निबंधात्मक में थोड़े बड़े आएंगे, वो अपन सीखेंगे। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, सॉरी अवर्गीकृत आंकड़ों के विषय में मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसा रॉ डाटा आपको दे दिया जाता है और फिर आपको पूछ लिया जाता है इसका माध्य निकालो। सर क्लास टेंथ में क्या आएगा उस पर चर्चा करते हैं। तो क्लास टेंथ में आपके अब नेक्स्ट लेवल आएगा वर्गीकृत आंकड़ों, वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप्ड डाटा पर आप पे चर्चा करेंगे, आपसे बोलेंगे ये ग्रुप्ड डाटा आपके सामने है, वर्गीकृत आंकड़े आपके सामने हैं, अब इस वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाल कर बताओ, इस वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाल कर बताओ। तो वो अपन को सीखना है, अगर डाटा को क्या कर दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए, तब हम उस डाटा का आंकड़ों का माध्य कैसे फाइंड करेंगे वो अपन सीखेंगे इसके अंदर। और उसी को ही सरल करते करते या उसी में ही कुछ जोड़ते जोड़ते अपन चार विधियां पढ़ेंगे इसके अंदर। कितनी विधियां पढ़ेंगे, चार विधियां पढ़ेंगे, माध्य निकालने की चार विधियां होंगी, या आप इस तरीके से समझ लीजिए चार टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके माध्य से रिलेटेड, कि माध्य कैसे कैसे निकालते हैं। तो पहला तरीका तो आपको मैंने डिस्कस कर दिया कि माध्य निकाला कैसे जाता है, अगर सिंपल दे दिया जाए आपको, अवर्गीकृत आंकड़े दे दिया जाए, अनग्रुप डाटा दे दिया जाए, तो किस तरीके से माध्य निकालते हैं, क्या आपको समझ में आ गया। आपने बोला यस सर। चलिए जब आपको ये समझ में आ गया है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया चार प्रकार के आपके माध्य निकालने के प्रश्न आएंगे। पहले सामान्य माध्य, मतलब स्टैंडर्ड माध्य जो सब जानते हैं, जिसे औसत के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले अपन वो सीखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको आज की वीडियो में सामान्य माध्य निकालना सिखाऊंगा, बहुत से प्रश्न करेंगे इसके ऊपर अपन। फिर दूसरा आता है आपके असंतत बारंबारता से माध्य, मीन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां आप देखेंगे कि मैंने बारंबारता को लाल कर रखा है, क्यों कर रखा है, इसकी वजह है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि बारंबारता दी होगी आपको, बारंबारता का मतलब क्या होता है, कोई डेटा बार बार आता है, मान लो जैसे दो है, दो दो तीन दो चार दो पांच दो, देखो अब यहां पर जो है दो कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन चार पांच, तो दो कितनी बार आ रहा है, पांच बार आ रहा है, तो दो आ रहा है पांच बार, तीन आ रहा है एक बार, और चार आ रहा है एक बार, और पांच आ रहा है एक बार। तो ये जो बार आ रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो फ्रिक्वेंसी में कह रहा हूं, इसी कोई फ्रिक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, यानी एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक डेटा जो है, एक आंकड़ा जो है, प्रेक्षण जो है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो। तो क्या होगा, आपको बहुत सारा अवर्गीकृत आंकड़े होंगे, उसके अंदर एक आंकड़ा बार बार आ रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको थोड़ा व्यवस्थित कर उसकी बारंबारता उसके सामने रख दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि अब बारंबारता के साथ इसका माध्य निकालो, तो वो निकालना सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है निकालना, बहुत सरल है, और फुल में से फुल मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो, ठीक है। चलिए ये पहला, ये दूसरा प्रकार हुआ जो अपन ने सीख लिया, इसको थोड़े रेस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो तीसरा प्रकार है वो क्या है उसको भी समझ लेते हैं।
तीसरा जो टाइप है वो है वर्गीकृत बारंबारता से माध्य। रियल जो बात स्टार्ट होती है वो होती है यहां से। तीसरा पॉइंट, वर्गीकृत बारंबारता से माध्य। इस बार मैंने वर्गीकृत पर भी लाल लगाया है क्योंकि एक बात और जुड़ जाती है इसके अंदर। इसके अंदर बारंबारता के साथ एक बात और जुड़ जाती है, वर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब आंकड़ों को वर्गीकृत कर दिया जाता है, यानी अंतरालों में, डिस्टेंसेस में, इंटरवेल्स में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या होता है ना। वो जो चार्ट वहां दे रखा था, वहां आपने देखा कि किस तरीके से इंटरवेल्स में रख देते हैं। जैसे इंटरवेल यानी आप जानते हो ना, 0 से 10, मतलब 0 से 10 में जितने भी अंक आ रहे हैं वो 3 बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं इस तरीके से। तो इंटरवेल्स में अपन आंकड़ों को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। वो भी अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर आता है कल्पित माध्य की सहायता से माध्य। एक आई की विधि आपकी कल्पित माध्य से। कल्पित मतलब होता है कल्पना कर, माध्य मतलब होता है माध्य, यानी आप डेटा में से आपको एक आंकड़ा ऐसा चुनना है जो कि आप मानते हो कि वो माध्य है, फिर उसके आधार पर अपन माध्य फाइंड करेंगे। तो ये अलग अलग 4 विधियां हैं जो आपको सीखनी है, जिनके आधार पर आप माध्य नामक जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इसको आप कंप्लीट कब कर पाएंगे, जब आप इन 4ों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे सामान्य माध्य कैसे निकाला जाता है, इस पर बहुत से अपन प्रश्न करेंगे और मैं आपको अभ्यास के लिए भी प्रश्न दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सामान्य माध्य कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500 मासिक है। मासिक यानी मंथली। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था आपको, इंग्लिश मीडियम वाले घबराए नहीं, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, सिर्फ इसके अंदर बोल रखा है कि 5 एम्प्लॉयमेंट्स हैं आपके, उनकी सैलरी आपको दे रखी है, आपको इन सैलरी का क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था जो भी डाटा दे रखा है उसका सम कर लीजिए, जो किसने कर रखा है। औसत मासिक वेतन निकालना है तो एवरेज मंथली सैलरी निकालनी है, तो आप क्या करें, सभी एम्प्लॉयज को जितना भी वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, उनका सम कर लीजिए और कितने एम्प्लॉयज को मिल रही है उससे भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो मंथली सैलरी आएगी वो आएगी, एवरेज मंथली सैलरी जो आएगी वो आएगी 4200। ईजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अभी जो माध्य है, ये जो माध्य है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं इसे। समांतर माध्य को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले अरिथमेटिक मीन, मीन को एक और नाम से जानते हैं अरिथमेटिक मीन, और हिंदी वाले समझ लीजिए समांतर माध्य, माध्य को एक अन्य नाम से जानते हैं समांतर माध्य। बात एक ही चीज है, नॉर्मल बात ही चल रही है, लेकिन समांतर माध्य आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी प्रश्न में आ जाए कि समांतर माध्य ज्ञात करो तो आप सोचने लग जाएंगे, अरे समांतर माध्य क्या था, समांतर माध्य क्या था, तो आपको कुछ फिक्र नहीं करनी है, समांतर माध्य और माध्य एक ही चीज है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन और मीन एक ही चीज है। अब देखिए, तो आपको बोला गया प्रथम 10 विषम संख्या है, यानी फर्स्ट ऑड नंबर्स का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे के सारे जो फर्स्ट ऑड नंबर्स है, प्रथम विषम संख्याएं हैं, उनको लिख लीजिए आप और उनका योग कर लीजिए, और वो संख्या कितनी है, 10 है प्रथम, तो 10 से भाग लगा दीजिए, तो उनका जो औसत आएगा, एवरेज आएगा, वो आएगा 10। बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको भी पता है सरल चीज़ें हैं तो आप समझ जाएंगे, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने लैंग्वेज को एडजस्ट कर रखा है। आगे तीसरा उदाहरण मैं अगर करवाना चाहूँ आपको, तो वो है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, समझ रहे हैं,
संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब वो जो आंकड़े हैं वो कितने हैं। तो इसमें दे क्या रखा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का, जो 8 कॉन्सिक्यूटिव और नंबर्स हैं, 8 कॉन्सिक्यूटिव और नंबर्स का एवरेज दे रखा है आपको 16 है। तो 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे एक नंबर एज्यूम करिए विषम है, वो मान लीजिए क्या है 3 है, ठीक है। अब 3 के अंदर, 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो 3 के बाद 5 कब आता है, जब अपन उसके अंदर 2 जोड़ते हैं। तो वो 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ये इस तरीके से हो जाते हैं कि x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, x plus 10, x plus 12 और x plus 14, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। हर किसी के अंदर दो दो जोड़ते जाइए, x के अंदर 2 जोड़ा तो एक और विषम ऑड नंबर आ जाएगा, x के अंदर 4 जोड़ा तो एक और विषम संख्या ऑड नंबर, ऐसे सिक्स जोड़ेंगे 2, 2, ऐसे करके आप जोड़ते जाएंगे तो आगे बनता जाएगा। अब अपन ने एक तरीके से तो अपन ने सारे के सारे जो नंबर्स थे वो तो फाइंड कर ही लिए है ना। तो इन सबका क्या कर लो आप, सम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इनका सम कर लीजिए, और है कितना है, वो 8 है, और इनका जो 16 दे रखा है, क्या दे रखा है, इनका एवरेज 16 पहले से ही दे रखा है। तो ये आप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा तो इसके अंदर 2, 2 जोड़ते जाइए, आप क्या करते जाइए, 2, 2 जोड़ते जाइए, तो आपकी पूरी की पूरी संख्याएं विषम जो 8 क्रमागत संख्याएं थी वो सारी की सारी निकल कर आ जाएगी। ये मैंने आपको समझाया समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जनरल मीन कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इंग्लिश मीडियम वाले सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये आपको याद रखना है आज की वीडियो में समांतर माध्य की। क्या बात समझ में आ रही है, चलिए अब हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, ये सारे के सारे आप घर से करके लाएंगे, 10 के 10 अभ्यास प्रश्न है, इनसे आपके समांतर माध्य की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश मीडियम वाले आप भी ध्यान देंगे, 1 से लगाकर 10 तक आपको भी ये करके आने हैं, क्वेश्चन एक ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों हैं वो क्वेश्चनों को करें। ये आज की वीडियो में अपन समांतर माध्य को ही देखेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में अपन दूसरा जो इसका प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ये आपसे आग्रह है। आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, नमो नमः।